नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत कुछ खास खबरों के साथ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकारी बसों में हॉर्न छोड़कर सब कुछ बजता है। वह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सरकारी बसों में तो खिड़की बंद करने की प्रतियोगिता कराई जा सकती है। केंद्रीय मंत्री ने लंदन मॉडल पर भारत में ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू करने के लिए हुए समझौते के कार्यक्रम में बोलते हुए यह बातें कही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के अंतिम बजट पेश करने से पहले सरकार पर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा, जब हर क्षेत्र में देश गया घट तो क्या करोगे लाकर बजट। तैयार हो जाइए, आने वाला है झूठ का पुलिंदा जिसमें सच को छोड़कर सब कुछ होगा। अमृतसर में नारकोटिक सेल ने एक होटल पर रेड मारी जहां पुलिस ने 9 जोड़ों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि काफी दिन से पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि होटल में जिस्म फरोशी का काम चल रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच कर होटल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बागपत में बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर गुस्साए किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि किसान प्रदर्शन करते हुए गन्ने की मेल में घुस गए और जमकर नारेबाजी की। वहीं हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल बुलवाया गया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की। बहराइच में नकली सोना दिखाकर ठगी करने वाले कई राष्ट्रीय स्तर के ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से 2 सोने की नकली ईंट, 1 इनोवा गाड़ी और मोबाइल बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। हमीरपुर में हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय इचौली महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि पिछले 49 सालों से चली आ रही ऐतिहासिक परंपराओं का निर्वाहन करते हुए यहां वॉलीबॉल, दंगल और भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए लोगों ने आयोजित कार्यक्रमों का मजा उठाया। ये विद्यालय चौधरी पहलवान सिंह विद्यालय है, यहाँ पे लगातार 50 सालों से ये आयोजन हो रहा है जिसका नाम है इचौली महोत्सव। और यहाँ पे वॉलीबॉल और आपकी दंगल ये सबसे ज़्यादा प्राथमिकता में होता है। और बाकी यहाँ के जितने भी लोकल के जो मतलब कि हमारे गांव के लोग और क्षेत्रीय जितने भी लोग हैं, वॉलीबॉल का मैच इसलिए कराया जाता है ताकि उन लोगों को प्रोत्साहन मिले कि और आगे तक बढ़ें। जैसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वनडे कप्तान मिताली राज ने अपने खाते में एक खास उपलब्धि जोड़ ली है। मिताली 200 वनडे खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में यह उपलब्धि हासिल की है। पंजाब में कर्ज में दबे एक किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि उसके ऊपर 7 लाख रुपए का कर्ज था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने सरकार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के सर्वे के आधार पर एक सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें उन्होंने बताया कि देश में बेरोजगारी की दर पिछले 45 सालों में 2017 से 18 में हुई नोटबंदी के दौरान सबसे ज्यादा 6.1% बढ़ी है, जिसको देखते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने एक बयान दिया है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि यह एक ड्राफ्ट रिपोर्ट है और इकट्ठा किए गए आंकड़ों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। साथ ही बताया कि सरकार फाइनल रिपोर्ट मार्च में पेश करेगी। सहारनपुर में मुफ्ती असद आसमी ने धर्म संसद पर साधु संतों द्वारा किए गए ऐलान को लेकर एक तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आपको बता दें कि संतों का कहना है कि वह 21 तारीख से अयोध्या कूच कर राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाएंगे, जिसको लेकर असद आसमी ने उनको चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार और साधु संत मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान ना ले। वहीं यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा वह इसका पूरी तरह सम्मान करेंगे। देखिए, साधु संतों ने जो ऐलान किया है कि अयोध्या कूच करें और वहाँ जो है राम मंदिर का निर्माण करें, तो मैं केंद्र की सरकार और यूपी सरकार से और ख़ासकर जो मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं उनसे यह कह देना चाहता हूँ कि वो मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान ना लें। मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान चाहता है और सब्र इत्मीनान चाहता है और सब्र के साथ में ज़िंदगी गुजार रहा है। मुसलमान बार बार यही ऐलान कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला अयोध्या, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के सिलसिले में आएगा वो हमें मंजूर है, लेकिन कुछ फिरका परस्त साधु संत जो है मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और उन लोगों ने ऐलान किया है कि अयोध्या कूच करें और वो राम मंदिर का निर्माण करें।